हम आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल माय सिटी फूड सीक्रेट में। आज भाई बारिश हो रही थी, बहुत ही अच्छा और ठंडा मौसम था, ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना पकोड़े बना लिए जाए। ये देखें कितने क्रिस्पी और गोल्डन हमारे पकोड़े बने हैं, माशाल्लाह बहुत ही गर्मा गर्म और क्रिस्पी अच्छे पकोड़े हैं, साथ में पुदीने की चटनी भी है। ऐसे में तो पकोड़े खाने का बहुत ही मज़ा आता है। चलिए आपको बताते हैं आप भी ये मज़ेदार से पकोड़े कैसे बना सकते हैं। प्याज 2 से 3 अदद बारीक पीसीस में काट लेना। आलू 2 से 3 अदद, ये भी चाहे तो आप लंबे काट सकते हैं फ्राइज जैसे, या छोटे पीसीस में काट लें। हरा धनिया, हरी मिर्चें, सूखा धनिया, नमक, कुटी हुई मिर्चें, गरम मसाला, काली मिर्च, बेसन हसबे ज़रूरत। चले चलते हैं इसको पकाने की तरफ। अब हम इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। एक बाउल में आलू डाल लेते हैं, प्याज डाल लेते हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें, नमक, मिर्चें, गरम मसाला, सूखा धनिया, काली मिर्चें, बेसन, अब इसमें पानी डालकर अच्छे तरीके से मिक्सचर बना लेंगे। ये हमारा जो मिक्सचर है ये रेडी है। अब हम बनाते हैं अपने पकोड़े। पैन में हमने ऑयल डाल दिया था और अपनी आग जला दी थी ताकि जो ऑयल है वो गर्म हो जाए। अब हम चेक करते हैं जो हमारा ऑयल है वो गर्म हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा डाल के मिक्सचर चेक करते हैं, हल्का सा रह गया सिर्फ थोड़ा सा। अब हम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। आग हल्की कर लें, आहिस्ता आहिस्ता से आपने पकौड़े डालने हैं। साथ साथ हम इसकी पकौड़ों की साइड चेंज करते रहेंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से पक जाए, गोल्डन हो जाए। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। पकौड़े जो है गोल्डन हो गए दोनों साइड से। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। हमारे जो पकौड़े हैं वो अच्छे तरीके से गोल्डन हो गए। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं।
ये देखें हमारे जो गोल्डन क्रिस्पी पकौड़े हैं बिल्कुल रेडी हैं खस्ता। अब आशा आपको खा के बताएगी पुदीने की चटनी के साथ के ये कैसे बने हैं। जी आशा। वाह गर्मा गर्म पकौड़े। वाह मामा ऑसम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो नीचे बेल आइकन का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।